हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर जरा सी भी चमक नहीं है, हमेशा डलनेस रहती है, कोई दाग धब्बा भी नहीं है, रंग भी गोरा है लेकिन चमक नहीं है। तो एक चेहरे पर ग्लो, एक शाइन जो होती है, एक चेहरा जो अट्रैक्टिव लगता है, वो चीज़ नहीं लगती है। तो उनकी परेशानी बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाली है मेरी आज की इस वीडियो में। तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या यूज़ करें ऐसा कि चेहरे पर चमक आए, नेचुरल एक ग्लो आ जाए। तो इसके लिए हमें लेना होगा ये बेबी ऑयल। लेकिन वीडियो को आगे बताने से पहले, इस रेमेडी को आगे बताने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी ऑयल। अब आप इसको देखकर ये सोचते होंगे कि तो बेबीज़ के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता, लेकिन नहीं, ये गलतफहमी है। ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसको जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जेंट्स लोगों की, उसमें ये यूज़ आ सकता है। जैसे शेविंग आफ्टर शेव के की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रैशेज और दाने वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने अभी एक वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड किया था इससे पहले, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इसके 8 यूज़ बताए थे। बहुत सारे इसके यूज़ हैं लेकिन मैंने 8 आपको बताए थे, तो आप वो देख सकते हैं। सारे ही यूज़ जो हैं इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है, इसमें केमिकल यूज़ नहीं होते हैं। इसमें होता है विटामिन ई और बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन इसके अंदर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरिश स्किन बना देता है, स्किन को शाइनी बनाता है। तो साथ ही हम ले लेंगे एक छोटा सा कंटेनर, और उसमें निकाल लूँगी मैं ये बेबी ऑयल। तो मैं 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें बेबी ऑयल निकाल लेती हूँ। आप भी इसी तरह कोई कंटेनर ले लें और उसमें आप ये बना कर रख लें जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ। साथ ही हमें लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप लोग फिर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इससे। आप कहते हैं कि चेहरे पर बाल आ जाएंगे या ये हो जाएगा वो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप इसका यूज़ कीजिए, जैसे मैं बताती हूँ वैसे यूज़ कीजिए। और जो खाने का तरीका है वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह आप इसको खाएं और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, वो वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं विटामिन ई की, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेंगे। हमने लिया है 1 टीस्पून बेबी ऑयल, ये वाला जॉनसन्स बेबी ऑयल, और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो कट करके मैं इसमें ये डाल दूंगी। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे। गाइज, मैं हाथ से ही करने वाली हूँ, क्योंकि जो हमें लगाना है फेस पर तब भी हाथ से ही लगाना है। तो मैं इसको हाथ से ही, फिंगर से इसको मिक्स कर लूँगी। फिर इसके बाद आपको ये यूज़ कब करना है, इसको यूज़ करना है रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कीजिए किसी भी फेस वॉश से, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद टैप टैप करके अपने चेहरे को आप ड्राई कर लीजिए। हल्का सा गीला सा रह जाए उस वक्त आप ये ऑयल लीजिए अपने हाथ पर, और इस तरह से। और चेहरे पर करनी है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको 5 मिनट मसाज करनी ही करनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप रात को मसाज करके सोएंगे, तो उसके बाद आपको अपना पिलो कवर चेंज करके सोना है। पिलो कवर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि पूरी रात हम इधर उधर करवटें लेते रहते हैं और हमारा चेहरा हमारे तकिए के कवर से लगता रहता है, टच होता रहता है। तकिए का कवर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी से चेंज करते रहिए, और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। साथ ही रात को सोने से पहले, मैं इसलिए बताती हूँ, मैंने पहले से भी अपनी वीडियोस में आपको बताया कि रात को सोने से पहले ही यूज़ क्यों करना है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि रात को हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है। पूरा दिन का जो डैमेज होता है स्किन अपने आप को रिपेयर करती है, और उसमें हमारी स्किन पर ज़्यादा असर होता है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, फेस पैक वगैरह, कुछ मसाज करनी है, कुछ भी लगाना है, रात को सोने से पहले लगाइए, उसका असर दुगुना तीन गुना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा असर होता है रात को अगर आप सोने से पहले कोई चीज़ यूज़ करते हैं, तो पूरी रात में वो ज़्यादा असर करता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है चेहरे पर चमक लाने का, चेहरे को नरिश और मॉइस्चराइज बनाने का। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, रफनेस खत्म हो जाएगी, साथ ही चेहरे पर अगर चमक नहीं है ना, तो बिल्कुल एक शाइनी चेहरा आपको मिलने वाला है, शाइनी स्किन आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को यूज़ करके देखिएगा, इस रेमेडी को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।